हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे 4, 5 एंड 6। ये 5.3 का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कल की वीडियो में आप लोगों को देख लेना है ना, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे गए हैं 10 अलग अलग स्लिप्स में। कैप्टन ने बॉक्स और उनको एक बॉक्स में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट। एक बार हाथ डालकर बॉक्स में से एक स्लिप निकालेंगे। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 निकल कर आएगा, बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी होगी भाई। कितने टोटल कितने डाले हैं, 10 डाले हैं ना। अब 6 एक ही बार तो है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी, 1 टाइम ही तो निकल कर आएगी है ना। यानी टोटल का क्या करेंगे, टोटल का 1/10 कर देंगे तो 6 निकल कर आएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको। आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 from 10 separate slips is 1। कितनी बार निकलेगा, 1 टाइम निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इज 1/10। क्यों हो जाएगी 1/10, क्योंकि टोटल कार्ड्स 1 है और 6 1 टाइम निकलेगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10, ठीक है। अब वो कह रहा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नंबर कितनी बार निकलेंगे। तो 6 से छोटे नंबर कितने हैं, 5 है, तो कितनी बार निकलेंगे, 5 बार निकलेंगे, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 5/10 यानी 1/2, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। नंबर लेस देन 6 आर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। कितने हैं ये, 5, सो देयर आर 5 आउटकम्स। भाई एक बार में एक निकलेगा तो 5 बार में 5 ही तो निकलेंगे। पहली बार 8 डालोगे 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, क्योंकि लेस देन 6 पूछा है तो 5 ही बार आउटकम्स निकलेंगे, 5 बार 8 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितनी बार, 5 बार, टोटल कितने हैं, 10, तो क्या लिखेंगे, 1/2, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/2 हो जाएगी लेस देन 6 की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, अब नंबर ग्रेटर देन 6 कितने, 7, 8, 9 और 10, कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो आउटकम्स भी कितनी बार आएंगे, 4 टाइम आएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 4/10 यानी 2/5, कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 2/5 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो टोटल नंबर है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे और जितने आउटकम्स हैं उसमें, जितने निकल सकते हैं एक बार में, उनको हम बाहर लिखे ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और फिर डिवाइड करके लोएस्ट नंबर उसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखो, गेटिंग अ 1-डिजिट नंबर, 1-डिजिट नंबर यानी 1-डिजिट नंबर कितने है? देखो अगर मैं बोलूं आपसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 1 से लेकर 9 तक तो ये 1-डिजिट नंबर है, और ये जो 10 है ना ये 2-डिजिट नंबर हो गया, तो 1-डिजिट नंबर कितने हो गए, 9 हो गए, तो बस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लिखोगे 1-डिजिट नंबर्स आर 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, ठीक है। आउट ऑफ टेन, आउट ऑफ टेन तो प्रोबेबिलिटी कितनी, नाइन अपॉन टेन। अब ये कट तो सकता ही नहीं किसी से, है ना, तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आ गया सबको, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, इफ यू हैव अ स्पिनिंग अ व्हील विद थ्री ग्रीन सेक्टर्स, एक व्हील को स्पिन करना है आपको जिसमें तीन ग्रीन सेक्टर है, वन ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपने एक व्हील को स्पिन किया, ठीक है, अब यहां पर कितने, थ्री तो ग्रीन है ना, एक रेड है और एक ब्लू है, तो भाई ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तीन बार बनेगी ना, एक बार यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता है, यहां भी, है ना, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो थ्री टाइम बनेगी, रेड की प्रोबेबिलिटी वन टाइम बनेगी और ब्लू की प्रोबेबिलिटी भी वन टाइम बनेगी, है ना, समझ में आ गई इतनी बात। अब आपको लिखना क्या है, टोटल सेक्टर, हाँ फाइव, कितने हैं टोटल सेक्टर, फाइव है, ठीक है। आउट ऑफ द फाइव सेक्टर थ्री सेक्टर्स आर ग्रीन, ठीक है, कितने सेक्टर ग्रीन है, थ्री सेक्टर ग्रीन के हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन, जब तीन ग्रीन के हैं तो ऊपर लिखो टोटल कितने हैं, नीचे लिखो, तो यही बन गई आपकी प्रोबेबिलिटी, आंसर आ गया आपके सामने, ठीक है, ठीक है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, अब नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन ब्लू मतलब जो ब्लू नहीं है, तो देखो तीन ग्रीन है एक रेड है, तो नॉन ब्लू कितने हो गए, फोर हो गए, ठीक है, नॉन ब्लू कितने हो गए, फोर हो गए, तो लिखेंगे यहां पर नॉन ब्लू सेक्टर्स, टोटल कितने हैं, फाइव, ब्लू कितना है वन, तो कितने हो गए, फोर हो गए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, क्या होगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नॉन ग्रीन क्या हो जाएगी, फोर अपॉन फाइव, ठीक है, ये हो गई आपकी नॉन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, समझ में आ गया, क्लियर क्लियर एकदम, कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में, है तो भाई पूछ लो जल्दी से फटाफट, सबको क्लियर हो गया, ठीक है, चले जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, लाइक करने में सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होता, किसी के बैंक अकाउंट से एक भी रुपया नहीं कटता, और फिर कंजूसी किस लिए होती है, सभी लोग लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो मुझे कमेंट करके बताएंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। क्लास का टाइमिंग सबको मालूम है, 1:30 PM पर डेली क्लास को मिल जाती है, इसे दिन में आप किसी भी टाइम देख सकते हो, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर टू में जो आपको इवेंट दिए हुए थे उनके लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या क्या इवेंट दिए थे क्वेश्चन नंबर टू में। आपको एक डाइस दिया था, है ना, एक डाइस दिया था जिसमें 1 से लेकर 6 तक मार्किंग थी, ठीक है, और क्या बोला था कि जब उस डाइस को उछाला जाएगा तो कितने आउटकम्स आएंगे, उसमें टोटल आउटकम 6 आएंगे, ठीक है, जिसमें से 2, 3, 5 क्या थे, प्राइम नंबर्स थे, और 4 और 6 क्या थे, वो कंपोजिट नंबर थे, 1, 4, 6, 4 और 6 कंपोजिट नंबर थे, ठीक है। तो यही सब आपको यहां पर बता देना है, क्वेश्चन नंबर 4 से देखते जाएंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 से आप देखते जाएंगे, मैंने अपने पास लिखा हुआ है, मैं आपको लिखकर एक बार बता देती हूँ सारा कुछ, ठीक है।
चलो स्टार्ट करें। देखिए, व्हेन अ डाइस थ्रोन, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब किसी भी डाइस को उछाला जाएगा, ठीक है, तो देयर आर टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने हैं टोटल नंबर डाइस में, कितने होते हैं भाई। यहां पर 1 होता है, यहाँ सामने, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे वाले में कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, क्या लिखना है, पहले 2, 3 और 5 क्या है, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए कितने आउटकम्स बनेंगे, सो देयर आर थ्री आउटकम्स, ठीक है, आउट ऑफ 6 कितने आउटकम्स बनेंगे, थ्री आउटकम्स बनेंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यहां पर, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6, तो 1/2 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 6 इज ग्रेटर देन 5, यानी बी में आपको, सॉरी, बी में आपको क्या दिया था, 1, 4, 6 आर नॉट द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नहीं थे, प्राइम नंबर कौन से नहीं थे, 1, 4 और 6 आपके प्राइम नंबर नहीं थे, ठीक है, आर नॉट प्राइम नंबर्स, क्लियर। तो इनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कर चुके हैं वहीं से देखकर, बिल्कुल कॉपी करना है सेम। तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई, कितने नंबर है, 3, टोटल कितने हैं 6, तो क्या बन गई, 1/2, तो इसके लिए भी क्या बन गई, 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या था उसमें, सी की ग्रेटर देन 6 कितने हैं, ग्रेटर देन 6, सॉरी, ग्रेटर देन 5 कितने हैं, ग्रेटर देन 5 तो एक ही है 6, है ना। तो ओनली 6 इज ग्रेटर देन 5, केवल 5, 6 ही है जो ग्रेटर देन है 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या हो जाएगी, एक ही बार तो निकलेगा, टोटल निकाल दो 1/6, तो ये हो गई आपकी ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बस यही सब आपको लिखना है। और अगर ये पूछा जाए आपसे नॉट ग्रेटर देन, यहां पर एक और क्वेश्चन था उसमें नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन किससे, 5, 5 से बड़े नहीं है, कौन कौन से, 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने आउटकम्स बनेंगे, 4 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है, कितने आउटकम्स बनेंगे, 4 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहां पर, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे भाई, टोटल कितने आउटकम्स, 4, टोटल कितने हैं 6, तो 2/3, तो ये आपका आ गया 2/3, ठीक है। वही जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया है, सेम आपको यहाँ पर सारी प्रोबेबिलिटी, उन इवेंट्स की सारी प्रोबेबिलिटी आपको केवल लिखनी है कि किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम उसी की तरह करना है, वहां से केवल प्रोबेबिलिटीज उठाकर आपको यहाँ लिख देनी है क्वेश्चन नंबर 6 में। मैंने क्यों कराया क्वेश्चन, ये रिपीट मैंने इसलिए कराया है क्योंकि आपके बुक में पीछे दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। चलो आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, यानी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, कल फिर से एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, सभी लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को, ठीक है।
और आपके कमेंट अगर मिलते हैं तो मोटिवेशन बहुत मिलता है उनसे। इसीलिए प्लीज अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट जरूर करें वीडियो के लिए, ठीक है। जो भी आपके व्यूज हैं वो अपने व्यूज जरूर दें, एक बार जरूर अपने व्यूज दें। कल मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।